नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। बरेली के बहेड़ी नगर में स्थित एडम्स स्कूल में पिछले 5 दिनों से चल रहे समर कैंप का समापन हो गया। इस समर कैंप में बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए अलग अलग तरह की मनोरंजक और रोचक एक्टिविटी कराई गई। कैंप के समापन के मौके पर शहर के सम्मानित डॉक्टर, व्यापारी, मीडिया कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। इस बीच सम्मानित मेहमानों के हाथों से एडम्स स्कूल की ओर से पौधे लगवाए गए और भीषण गर्मी के चलते पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम किया गया। साथ ही कैंप के सम्पन्न होने पर सभी मेहमानों को स्कूल की तरफ से पौधे उपहार के रूप में दिए गए। समर कैंप के आयोजन के दौरान सभी क्लास के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कैंप में बेसिक एजुकेशन, योगा, डांस, मार्शल आर्ट्स, जुम्बा, पेपर क्राफ्ट, ड्राइंग, पोटलक लंच, कुकिंग विदाउट फायर, फैंसी ड्रेस, मैथ्रिक्स, नॉलेजेबल एक्टिविटी, आइसक्रीम कॉम्पिटिशन, फिजिकल फिटनेस गेम्स, पौधारोपण, बर्ड्स फीडिंग, कल्चरल प्रोग्राम आदि में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और साथ जमकर मस्ती भी की। समर कैंप में बच्चों के एडम्स स्कूल के एमडी गुलरेज अली, चेयरपर्सन शाइस्ता अली, डॉक्टर वकील अहमद, डॉक्टर शाइक खान, डॉक्टर जहीर अहमद, व्यापार मंडल अध्यक्ष सलीम रहबर, वसीम अहमद, आइडिया सूफी अबरार के साथ ही प्रेस मीडिया से धर्मेंद्र, दीपक, अब्दुल वाजिद, मुमताज अली आदि के साथ अच्छा समय बिताया और उनके साथ लंच पार्टी भी की। कैंप में आए सभी सम्मानित व्यक्तियों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। स्कूल के एमडी गुलरेज अली ने स्कूल के बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया और सभी को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हुए धरती को हरा भरा बनाने के लिए सभी से अपील की। स्कूल की चेयरपर्सन शाइस्ता अली ने कैंप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जारी कराए। इस दौरान स्कूल स्टाफ में अंकित गुप्ता, रितेश गुप्ता, इजहार अहमद, सपना अग्रवाल, नेहा योगी, माहिरा आदि मौजूद रहे। और इसके साथ साथ मैं अपने स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है स्कूल में और स्कूल को अपनी मेहनत से सजाया है। एक्टिविटी में बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी कराई है। वी हैव स्टार्टेड आवर कैंप एंड देन आफ्टर वी हैड कंटिन्यू आवर कैंप टू 25th। हम पिछले 5 दिनों से ये कैंप चला रहे हैं और 5 दिनों में हमने बच्चों को जो देना चाहिए था उसमें हम जितना अच्छा कर सकते थे वो हमने दिया। मैं यहाँ कुछ भी, जैसे कि आप सभी लोगों ने बोला, आपने मेरी फीलिंग को छेड़ दिया एक तरह से। व्हाट आई कैन से अबाउट दैट कि व्हाट एवर आई वांट टू गिव टू द सोसाइटी, जैसे मैं डॉक्टर शाहिद खान साहब से कह रहा था कि मैं अगर MBBS डॉक्टर होता तो शायद सिर्फ अकेला होता। जो 2004 में मेरा MBBS छूटा एडमिट करने के बाद तो शायद मैं अकेला MBBS डॉक्टर होता, लेकिन आज मैं हज़ारों MBBS डॉक्टर तैयार कर सकता, हज़ारों इंजीनियर तैयार कर सकता। तो मेरी वो नॉलेज, मेरा वो एक्सपीरियंस जो मैंने सोसाइटी और समाज से लिया, जो मैंने स्कूल कॉलेज से लिया, अपने गुरुओं से लिया, वो सब इन बच्चों को देना चाहता हूँ। और जो कुछ मैंने आज तक सीखा है, 15 से 16 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज मुझे आते हैं। मैं स्पोकन का ट्रेनर हूँ, इंग्लिश स्पोकन ही, पहले मैं इंग्लिश बोलना सिखाता था, साथ साथ हार्डवेयर एंड कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का भी मुझे सारा आता है वर्क। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के काम की हैं, तो अगर कुछ स्पेशल होना चाहिए। मैं हर एक ओकेजन पे बाहर से, हमारे सुमित सर, आशुतोष सर हैं, डांस गेट भी चलाते हैं हमारे बहेड़ी में, इनको मैं हर ओकेजन में बुलाता हूँ और हमारे बच्चों को फिजिकल फिटनेस के लिए इनको मतलब हम लोग हायर करते हैं कि हमारे बच्चों को ये ट्रेन करें। तो मार्शल आर्ट है, ये सेल्फ में ट्रिक्स हैं जो देने के लिए मैं इन लोगों को स्पेशली बुलाता हूँ स्कूल में, और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा करते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो पिछले 5 दिनों से हमारा साथ दे रहे हैं, बहेड़ी डांस गेट भी हमारे साथ में है, बहुत मेहनत से हमारे बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, मैं इनका डेडिकेशन देखता हूँ। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।